हेलो, आज इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? ग्राफ ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से है ये वाला टॉपिक, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होते हैं उनके क्या ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ देखते हैं, उसके लिए इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, ए से बी बन रहा है। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। जब स्टार्टिंग में टाइम जीरो रहेगा, मतलब जब स्टार्ट रिएक्शन कर रहे हैं उस समय का कंसंट्रेशन को मान लिया है ए नॉट किसी टाइम टी पे। जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा बी में, प्रोडक्ट में, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे, उसको बोल दिया है ए टी। अगर आप इसको सी नॉट लेंगे, सी टी, वो डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। सिंपल ले लिया ए नॉट ए टी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा, जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, टू दी पावर जीरो। जीरो ऑर्डर है, अगर पावर जीरो है तो बोलेंगे जीरो ऑर्डर। ये स्टार्टिंग में रेट का इक्वेशन आ गया हमारा। फिर उसके बाद जैसे किसी की पावर जीरो हुई, वो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो किसी का रेट कैसे निकालते हैं, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका कंसंट्रेशन चेंज लिख दिया है डी ए बाई डी टी, डिक्रीज हो रहा है इसलिए आगे लग गया है माइनस साइन के, क्योंकि पावर जीरो है, यहाँ से कांस्टेंट आ गया, सॉरी पावर जीरो है, वन हो गई है ये सारी वैल्यू। डी टी को इधर ले गए, फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस भी इधर लिख दिया गया है। डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ध्यान रखेंगे लिमिट, जब टी इक्वल टू जीरो है, जब टी को अगर जीरो रखेंगे तो कंसंट्रेशन क्या लिया था हमने, ए नॉट, किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन हो गया है ए टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, वैसे डी ए का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली ए, लिमिट पुट करेंगे ए टी माइनस ए नॉट, ये लिमिट पुट करते हैं, माइनस है यहाँ पे भी पुट करेंगे टी माइनस जीरो, तो उसके लिए क्या डायरेक्ट लिख दिया है के टी, और बाहर माइनस था तो माइनस, इसको अरेंज किया, ए टी इधर रह गया, ये चला गया है ए नॉट माइनस के टी, ये हमारी हो गई इक्वेशन। अभी इस पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा, ग्राफ देखते हैं पहले एक मिनट। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब किसी भी रिएक्शन में आधा उसका रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, कितना टाइम लगा कि उसका आधा रिएक्शन हो गया है, तो हाफ लाइफ पीरियड। उसको टी 50% भी बोल सकते हैं, कि 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 50% ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है। 50% जब कंज्यूम हुआ तो ए टी यानी उस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बचेगा, शुरू में था ए नॉट, आधा खत्म हो गया तो आधा बचेगा, इसी फॉर्मूले में लग दिया है इसकी वैल्यू इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जब इसको अरेंज किया तो क्या हो गया, ये इधर आया, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं हम इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो कंसंट्रेशन का इक्वेशन क्या था, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसने बोला है कंसंट्रेशन को मानना है वाई, ये मान लिया वाई, टाइम को मानना है एक्स, ये ए नॉट स्टार्टिंग में जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो सी से रिप्रेजेंट कर दिया कांस्टेंट, माइनस के, और ये हो गया एक्स। एक्स के आगे जो होता है वो है स्लोप, इसको अगर लिखा जाए मैथमेटिकल टर्म में सी माइनस एम एक्स, तो जैसे दिख रहा है कि जो स्लोप है वो क्या है, माइनस मतलब नेगेटिव, इस टाइप से ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग में। और वैसे भी हमें पता है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो लाइन नीचे ही आएगी, बट इस इक्वेशन से पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन है, तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया। जब इसमें टाइम जीरो रहा, जब टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू ए नॉट, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है हमारी, ए नॉट, और जो स्लोप है तो लिख देते हैं इस इक्वेशन का स्लोप क्या आया, माइनस के, और इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, इंटरसेप्ट है हमारा ए नॉट। क्लियर, जो भी इक्वेशन दिया था जैसा बोला है वाई में उसको मान लिया वाई, टी है एक्स एक्सिस में तो टी की जगह लिख दिया एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया कि क्या आ रहा है, जो स्लोप है वो क्या है, माइनस के, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसको मैं प्लस एम ही कर देती हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने पढ़ा होगा, तो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप को लिखा एम, एम इक्वल टू माइनस के। सेकेंड, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर,
जीरो ऑर्डर में क्या था, कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, मतलब क्या मीनिंग है इसका, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पावर जीरो है, तो कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज करे डिक्रीज करे रेट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ रेट क्या होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग क्या मतलब कहीं पे डिपेंड ही नहीं करे, कंसंट्रेशन पे टर्म ही नहीं आ रहा है, तो जस्ट पैरेलल बना देंगे, जीरो ऑर्डर का है, टी हाफ का जो इक्वेशन लिखे थे क्या आ रहा था, सी नॉट बाय टू के, कंसंट्रेशन ये सी नॉट की जगह मैं ए नॉट लिख देती हूँ, कन्फ्यूज मत होना, कॉन्स्टेंट नहीं है ये, ए नॉट जो माना था, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, बाय के मतलब रेट कॉन्स्टेंट और टू टर्म है, टी हाफ वाई एक्सिस में है तो ये लिख दिया वाई, कंसंट्रेशन एक्स में है, ये एक्स ये कांस्टेंट, तो जैसे ही एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, कैसा ग्राफ बनाया है, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप है जो इसके आगे लिखा है, स्लोप की वैल्यू होगी 1/2k, इंटरसेप्ट जीरो, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इस पर अगर क्वेश्चन आया, देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, p प्लस क्यू गिव्स r प्लस s, उन्होंने बोल दिया है कि ये एक इक्वेशन है जो q के रेस्पेक्ट में, q मतलब जो कंसंट्रेशन है q का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसका ग्राफ है ऐसा, तो ये कौन सी ऑर्डर की होगी, हमें पता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है बिल्कुल लीनियरली किसका डिक्रीज होता है, जीरो ऑर्डर का, ऊपर अभी देखा था हमने, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका ऑर्डर क्या है, जीरो, जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू का जो ग्राफ है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, और इक्वेशन क्या होगी, क्यू किसी टाइम पे इक्वल टू क्यू इनिशियल माइनस के टी, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टाइम जो चलता जा रहा है। उसका दूसरा टाइप का देख लेते हैं, कोई इक्वेशन दे दिया है ए से बी, ए भी गैस है बी भी गैस है, जब नॉर्मली सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन लेंगे, अगर गैस है तो गैस का कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर जो ए है वो क्या दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ए का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है पर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम है, तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज का मतलब वो ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, वो जीरो। ऐसे ही फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर उसमें क्या होगा, आर के कंसंट्रेशन टू द पावर वन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ नहीं किया है, डायरेक्टली लिख दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यह डायरेक्टली आपको ऐसा भी याद होना चाहिए, के टी इक्वल टू एल एन इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे है फाइनल किसी भी टाइम टी पे। इस वाले इक्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड एल एन ले लिया, तो एल एन ए नॉट ए टी सॉरी यहाँ पे है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो जब भी एल एन लेते हैं वो टर्म क्या होता है, जुड़ जाता है, एल एन ए नॉट प्लस एल एन ई, एल एन का क्या होता है, बेस ई होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बेस बेस है, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, जो पावर है वो आगे आ गया, तो ये बन गई हमारी बेसिक इक्वेशन। अगर हमें इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो ग्राफ किसके वर्सेस बनाएं, ग्राफ लेते हैं एल एन ए टी वर्सेस टाइम का, तो एल एन ए टी बोल दिया है, इसका मतलब है कि ये बोल दिया है वाई एक्सिस में है, एल एन ए नॉट ये कांस्टेंट है यानी इंटरसेप्ट आ जाएगा, और टाइम को बोल दिया एक्स, तो माइनस के एक्स, इसका ग्राफ देखें वाई इक्वल टू कांस्टेंट और ये के वाला टर्म है, तो कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन है और धीरे धीरे कम होता जाएगा, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बोलेंगे, एल एन ए नॉट स्लोप माइनस के। अगर ग्राफ एल एन ना बोल के लॉग के टर्म हो तो एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना हमें आता है, एल एन को किस में लिख सकते हैं, 2.303 लॉग 80, यहाँ पे ये वाला हो गया है,
इसमें बोला है कि y एक्सिस में लॉग होना चाहिए, तो ये वाला टर्म को हमें हटाना है। सबको डिवाइड कर दिया 2.303 से, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया ये टर्म। जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये है y एक्सिस, ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा स्लोप, और t को मान लिए x, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा है, स्लोप आ रहा है हमारा नेगेटिव, तो ये भी क्या होगी, लाइन डिक्रीजिंग में होगी ऐसा। ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेप्ट है उसे क्या बोल देंगे हम लोग, लॉग ए नॉट। जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर आएगा, ये जो स्लोप, माइनस के साइन लिखेंगे के 2.303, ये हो हमारा स्लोप। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है ln 2 बाई के, अगर ln 2 बाई में ये वाला टर्म है कांस्टेंट है, क्रिएट कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और हमसे पूछा है टी हाफ का ग्राफ बनाओ विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन आप ज़्यादा करें कम करें किसी भी रिएक्शन का, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका हाफ लाइफ क्या होगा, डिपेंड नहीं कर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर टी हाफ किसी का ज़्यादा है तो ये ऊपर लाइन होगा, कम है तो इतना, पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करें डिक्रीज करें, टी हाफ को उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा, बिल्कुल कांस्टेंट। रेट, रेट वर्सेस हमें कंसंट्रेशन बनाना है, तो रेट को मान लेंगे वाई एक्सिस, ये है के, और कंसंट्रेशन है एक्स में, तो कैसा दिख रही है ये हमारे को, वाई इक्वल टू के एक्स, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, ओरिजिन से, और इसका स्लोप क्या हो गया, के। क्वेश्चन देखते हैं, कई बार क्वेश्चन में ए नॉट माइनस एक्स लिखा हो, कंसंट्रेशन ना लिख के उस टाइप पे लिखा हो एक्स के टर्म में। नॉर्मली देखें इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने ए नॉट माना है वो ए भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, वो वेरिएबल डिपेंड करता है। किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन होगा ए टी, या ए माइनस से कुछ माइनस हुआ, इसका मतलब ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ही है। फाइनल कंसंट्रेशन लॉग वर्सेस टाइम का क्या है, ये स्लोप, ऐसा है। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर। ये नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में e टू द पावर आ रहा था, मतलब इसमें लॉन का टर्म आएगा, तो लॉन वाला टर्म क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर डायरेक्टली कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ऐसा है तो जीरो ऑर्डर, लॉग के साथ है तो फर्स्ट ऑर्डर, इतना याद रखना है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का देखते हैं, सेकंड ऑर्डर में जो रेट होगा ये कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन टू द पावर 2 है, इसका अगर ग्राफ बनाए हम लोग, वाई एक्सिस में लेते हैं रेट, यहाँ लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टू द पावर स्क्वायर, इसका मतलब ये हमने मान लिया है वाई, ये है कांस्टेंट नहीं मतलब स्लोप आ गया, और ये वाला एक्स स्क्वायर को माना है एक्स, यानी पूरे को क्या मान लिया है एक्स, तो ये लाइन कैसी होगी, और इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एम के बराबर। इसी को ही अगर ऐसा है रेट, यहाँ पे है कंसंट्रेशन, और हमारा फॉर्मूला क्या है, रेट के कंसंट्रेशन टू द पावर स्क्वायर, रेट को मान रहे हैं वाई, ये है आगे एक्स, सॉरी एम स्लोप, कंसंट्रेशन है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया है, वाई स्क्वायर टू ए एक्स स्क्वायर टाइप में, तो क्या होगा ये पैराबोला। कंसंट्रेशन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, कुछ चीज़ नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो पैराबोला बनाना है, आधा पैराबोला बना देंगे इस साइड से। सेकेंड ऑर्डर को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म इस टाइप से आएगा, 1/a के टर्म में आएगा, ये इनिशियल, ये किसी टाइम पे, अगर कंसंट्रेशन सी टी भी लिखा है एक ही बात है, तो ग्राफ बनाएंगे 1/, यानी 1/ को बोल दिया है इसने वाई एक्सिस, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इस पूरे को बोलेंगे वाई, ये है वाई, और टाइम को बोलेंगे एक्स, तो वाई और एक्स दिख रहा है बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, कोई पावर नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन और ये टर्म कॉन्स्टेंट है, इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/80 उस साइड चला जाएगा, 1/a0 प्लस के टी, इसका मतलब ये लाइन कैसा होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट है इंटरसेप्ट,
तो जीरो से नहीं होगा, ऐसे पास करेगा। इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन ए नॉट, स्लोप की वैल्यू बोलेंगे हम लोग के। सेकेंड ऑर्डर का जो टी हाफ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा टी हाफ क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, या डायरेक्टली इसको वन अपॉन ही लिख देते हैं। वन अपॉन कंसंट्रेशन को बोल दिया है एक्स, और टाइम को बोल दिया है वाई। वाई प्रोपोर्शनल वन अपॉन इसको बोला एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, कैसा लाइन हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। टी हाफ अगर यहाँ पे नहीं लिखते, कंसंट्रेशन ही रहता, तो हमने क्या देखा है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। टी हाफ को बोल दिया वाई, प्रोपोर्शनल है ये एक्स के, तो ये मल्टीप्लाई करके वाई प्रोपोर्शनल टू द यानी कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। और किसी भी ऑर्डर का जो टी हाफ का जनरल इक्वेशन है वो ये है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो नीचे पावर माइनस वन का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, और हमने देखा है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, सी नॉट बाई टू के, यानी ऊपर था कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू वन रखी तो जीरो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो एल एन टू बाई के। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। आई होप कि आपको ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।